मयंक यादव नाम तो सुना ही होगा। आईपीएल 2024 में अपनी रफ्तार से कहर बरपाने वाले एलएसजी के 21 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव आज एक बार फिर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में गोला फेंकते नजर आएंगे और इस बार मयंक गुजरात टाइटंस का शिकार करेंगे। आपको याद ही होगा पिछले मैच में कैसे इन्होंने आरसीबी की कमर तोड़ दी थी। 150 से 158 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मयंक ने दोनों ही मैचों में बॉलिंग की है। आईपीएल सुपर संडे के पहले मैच में फिलहाल मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में जारी है। वहीं दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद लखनऊ में शुरू हो जाएगा और मैच से पहले मयंक यादव सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, साथ ही फैंटेसी 11 के फर्स्ट चॉइस के तौर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। मयंक यादव की चर्चा इतनी क्यों हो रही है, इसकी वजह पिछली दो मैच है। पहले मैं आपको मयंक के प्रदर्शन दिखाता हूं। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में महज 14 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और उनका औसत 3.50 का रहा। ये आंकड़े उस टीम के खिलाफ हैं जिस टीम में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फॉफ डुप्लेसी, कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। इससे पहले पंजाब के खिलाफ भी उन्होंने घातक गेंदबाजी की थी और सबका दिल जीता था और उस मैच में मयंक ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट झटके थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सीजन अपने डेब्यू मैच में ही मयंक यादव ने अपनी पहली ही गेंद 156 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की थी। पिछले दोनों मैच में सुबह बॉलर ने बेहद ही शानदार और सटीक लाइन लेंथ से तूफानी बॉलिंग की है और आज एक बार फिर मयंक गोली की गति से शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को अपनी धुन पर नचाते दिखेंगे। होम ग्राउंड पर इनको समर्थन भी भरपूर मिलेगा। दोनों टीमों के बीच की अगर आईपीएल रिकॉर्ड्स की बात करें तो हेड टू हेड अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 4 मैच खेले गए हैं। हैरान करने वाली बात है कि इस सभी मुकाबलों में गुजरात टाइटंस को जीत मिली है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक भी मैच अपने नाम नहीं कर पाई है। 2022 में दोनों ही टीमों का आईपीएल में डेब्यू हुआ था, उसके बाद लगातार दोनों टीमें आईपीएल में हर साल खेलती दिख रही हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के मुकाबले की प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 पर। पहले एलएसजी की टीम देखिए। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पडिकल, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोनिस, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, नवीन उलहक, मयंक यादव और बतौर इम्पैक्ट एम सिद्धार्थ। तो ये लखनऊ की टीम है। अब आपको गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 बताते हैं। शुभमन गिल, विद्यमान शाह, केन विलियमसन, साई सुदर्शन, विजय शंकर, अजमतुल्ला उमरजई, राहुल तेवटिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा और बतौर इंपैक्ट डेविड मिलर नजर आ सकते हैं। वही मैच के जो 5 वीवीआईपी खिलाड़ी हैं उसमें पहला नाम भी मयंक यादव का है, मोहित शर्मा, शुभमन गिल, निकोलस पुरन और देवदत्त पडिकल। यानी आज फैंस की और इनकी टीम की भी निगाहें इन 5 खिलाड़ियों पर होगी। अब बात पिच की करते हैं। इकाना स्टेडियम की सपाट सतह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है, ऐसे में आज बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। यहाँ की तेज आउटफील्ड गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकती है और हमने पिछले मैच में इसका नजारा भी देखा है। इस मैदान पर दूसरी पारी के दौरान ओस भी एक अहम चुनौती होगी, खासकर गेंदबाजों और फील्डरों के लिए। इसी वजह से यहाँ पर जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी और फिर लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी। अब आप आज की हमारी फैंटेसी टीम देखिए। पहला नाम सपाट पिच के प्रिंस शुभमन गिल का है, इसमें आप इन्हें कप्तान भी बना सकते हैं। इसके अलावा केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, निकोलस पुरन, मार्कस स्टोनिस, विजय शंकर, साई सुदर्शन, राहुल तेवटिया, मयंक यादव, मोहित शर्मा, राशिद खान और 12वें खिलाड़ी के तौर पर रवि बिश्नोई। तो ये हमारी टीम है आज के मैच के लिए। हालांकि कप्तान चुनने के लिए मैं टॉस तक का वेट करूंगा। तो फिलहाल इतना ही। सुपर संडे का सहरा आज किसके सिर सस्ता है, लखनऊ या गुजरात टाइटंस, ये देखना अहम होगा। और आज जो टीम जीतेगी वो आईपीएल में अपनी तीसरी जीत दर्ज करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।